हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप अपने छोटे से बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं शेयर करूँगी हमारा एक्सपीरियंस। हमारा 3 साल का बेटा है जो इंग्लिश में बात करता है। आप लोगों ने उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ उसके खुद के चैनल पर देखे होंगे, नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उसी से काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि वो इतने छोटे से कैसे इंग्लिश में बात कर लेता है। वही एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिचकिचाइए नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे इंग्लिश नहीं सीख सकते। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि इतनी हैवी इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, तो उनको सिखाते हुए आप खुद भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोई सही या गलत एज नहीं होती। मेरे एक्सपीरियंस में आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही फ़ायदा बच्चे को मिलेगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर जल्दी उस लैंग्वेज से हो जाएगा। मुझे याद है कि प्रेगनेंसी के टाइम से ही मैं जो बुक्स पढ़ती थी या जो म्यूज़िक सुनती थी वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में सुनती थी, बिकॉज उसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट भी था और उसी तरीके का एक्सपोजर हम कबीर के लिए भी रखना चाहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा बुक्स रीड करना, म्यूज़िक सुनना, और कबीर के पैदा होने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों को एज पेरेंट्स लगता है या बड़ों को ऐसे लगता है कि अभी तो बच्चे सुन नहीं सकते, अभी तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी बच्चे थोड़ी कोई बात समझ सकते हैं, और इस वजह से हम बच्चों से बात नहीं करते। और हम ज़्यादा क्या करते हैं, उनके पास रैटल बजा दिया, उनको गोदी में लेके थोड़ा घुमा दिया, उनको अले 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 ऐसे ऐसे करके उनके साथ खेल लिया। बट इसकी जगह अगर आप बच्चे से बात करने में, उनसे कॉन्वर्जेशंस करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो बच्चे को सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बच्चे पेरेंट्स की जो आवाज़ है उससे काफ़ी काम फील करते हैं, काफ़ी सूदिंग लगती है उन्हें, और वो चीज़ें भी धीरे धीरे समझ रहे होते हैं, उनका ब्रेन अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऑल्दो टाइम लगता है बट उनका ब्रेन अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसका फ़ायदा हमें कबीर में बहुत दिखा। आप कबीर के काफ़ी सारे छोटे होते के वीडियोज़ देखोगे तो आप खुद देखोगे कि कैसे सौरभ एक 3 महीने के बच्चे से, एक 5 महीने के बच्चे से बातें करते थे। मतलब खेलने के टाइम को भी बातें करने के साथ आपने मिला दिया, तो बच्चे को एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। देखिए होता क्या है, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें, बट हम उनके लिसनिंग स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। हम उन्हें वर्ड सिखाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वर्ड अब उन्हें यूज़ करना है, बट इस तरीके से नहीं होता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सोचना तब आता है जब आप बच्चों की लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। जब बच्चा अच्छे से सुनेगा तो उसका ब्रेन उस पूरी इंफॉर्मेशन को, उन वर्ड्स को प्रोसेस करेगा, और फिर जब उसे उसी चीज़ में जवाब देना होगा या उसके बारे में बताना होगा, तो उसका ब्रेन वही इन्फॉर्मेशन लेके स्पीच के थ्रू डिलीवर करेगा। इसीलिए बच्चों के साथ बहुत बात करना ज़रूरी है, ताकि उनके लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो सके और उनका ब्रेन उसी तरीके से सोच सके। अगला टिप है एनवायरनमेंट। आप जिस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए क्रिएट करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। कबीर के केस में उसके प्राइमरी केयर गिवर रहे हैं मैं और सौरभ। हमारी कोशिश रहती थी कि हम जब कबीर उठा हुआ है तो मेजॉरिटी टाइम छोटे होते से ही हम ही उसके साथ स्पेंड करें, और जब हम उससे इंटरेक्ट करें तो हम काफ़ी इंग्लिश में इंटरेक्ट करें, जिसका फ़ायदा आप उसकी स्पीच में खुद ही देख सकते हैं। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि कुछ लोगों को अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से बच्चों को मेड के पास छोड़ना पड़ता है, तो आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे मेड की ही लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा समझते हैं वर्सेस द लैंग्वेज जिसमें आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो ये फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। तो अगर आप चाहते हो बच्चा इंग्लिश में बात करे, तो उस तरीके का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए। तीसरा टिप है अवॉइड निक नेम्स। अब क्या होता है, देखो हम बच्चों को, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ भी, जैसे पानी देना है बच्चे को तो हम बोलते हैं मम्मम मम्मम, या मिल्क देना है तो बोलते हैं दूदू दूदू, ऐसे करके हम बच्चे से बात करते हैं। हर चीज़ का हम एक छोटा सा निकनेम बना देते हैं, क्योंकि हमें लगता है बच्चे को अच्छा लगेगा, बच्चा भी अभी साउंड्स में बात करना शुरू कर रहा है तो इजीली बोल पाएगा। बट ये चीज़ हमने कभी कबीर के साथ नहीं करी। हमने हमेशा कबीर को हर चीज़ का सही वर्ड ही बताया है, ताकि उसके माइंड में कभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि मिल्क जो है वो दूदू है, तो मिल्क जो है वो मिल्क ही है। और उसी तरीके से हम छोटे से उसके साथ बोलते थे कि कबीर इज गोइंग टू हैव मिल्क, कबीर यू हैविंग मिल्क, हाउ वॉज योर मिल्क, इंस्टेड ऑफ सेइंग कबीर दूदू पीने वाला है। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको सिखाना चाहते हो, बट हमने निकनेम्स कभी यूज़ नहीं किया।
अगला टिप है कि बच्चे को क्या सिखाएं। तो देखिए, शुरू में आपको बच्चे को कोई हैवी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सिखाने हैं। बच्चे के आसपास की जो चीज़ें हैं उसी के वर्ड्स को उठा के अगर आप सिखाना शुरू कर देंगे तो वो ही बच्चे के लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है। सिंपल सी चीज़ें, उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी चीज़ें, घर में जो खाना है, एनवायरमेंट, ट्री, लाइट, फैन, छोटी छोटी चीज़ें ही आपके पास इतनी सारी हो जाएंगी बच्चे को सिखाने के लिए। और उसी को, वर्ड्स को आप धीरे धीरे सेंटेंसेस में बिल्ड करना शुरू करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो हमने भी कबीर के साथ इसी तरीके से स्टार्ट किया। हम कोशिश करते थे कि हम उसे घर में भी हर चीज़ का एक्सपोजर दें, और जब हम उसे पार्क लेके जाएँ या कहीं हॉलीडे पर लेके जाएँ या कहीं हम ट्रैवल पर भी नॉर्मली लेके जा रहे हैं तो हमेशा हम उसे नई नई चीज़ें जो उसको नहीं पता है उसके बारे में उसे बारी बारी बताएँ। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम करते थे वो ये है कि हम कुछ भी उसको जब बताते थे हम बड़ा ही एंथुसियाज्म क्रिएट करते थे। मतलब हर चीज़ को थोड़ा बड़ा बना के उसे बताना, उससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर चीज़ में और बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, पापा मम्मी के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं इसके बारे में बात करते हुए। तो बच्चे चीज़ें जल्दी सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे कबीर, यू गोना हैव Apple is so yummy. तो आप इस तरीके से जब बात करते हैं तो वो एप्पल वर्ड और एप्पल कितना टेस्टी है और उसे एप्पल खाना है वो सारा उसके ब्रेन में रजिस्टर होना शुरू हो जाता है और उसके साथ के वर्ड्स भी वो ज्वाइन करना शुरू कर देता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब बच्चों से बात करें, और इसके लिए मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप कबीर के चैनल पर आप जाके वो वीडियोज देखिए, उससे आपको काफी आइडिया मिलेगा। बच्चों से जब आप छोटी एज में बात कर रहे हैं आपको धीरे, स्लो मतलब बात करना है कि आपको बहुत फटाफट इंग्लिश में बात नहीं करनी है, आपको स्लोली स्लोली एक एक वर्ड बोलना है और आपको लाउड बोलना है और आपको बिल्कुल क्लियर बोलना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे बच्चे अच्छी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, आपको उन्हीं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिपीट करना है, रीयूज़ करना है, रिव्यू करना है। बार बार ही रिपीट करो, ये मत सोचो कि आज आपने बच्चे को कुछ सिखा दिया इंग्लिश का वर्ड और अब बच्चे को समझ आ गया। डिफरेंट जगहों पे उस वर्ड को यूज़ करो। जैसे अगर आपने आज बच्चे को एप्पल सिखाया है, ठीक है, तो आप जब खाने में एप्पल दे रहे हो तब बात करो, कोई स्टोरी जब उसे बेड टाइम पे बता रहे हो तब फिर से एप्पल के बारे में बात करो, कहीं बाहर उसके साथ उसको पार्क में लेके जा रहे हो बातें करते हुए कोई एप्पल की बात करो। कॉन्स्टेंटली आप उसके बारे में बात करोगे तो बच्चे को भी वो रिपीटेड वर्ड से काफ़ी हेल्प मिलता है। रीयूज़ कर रहे हो आप उसे और रिव्यू करो। जब अब बच्चे की बारी आती है, जब 2 साल के आसपास बच्चे काफ़ी बात करने लग जाते हैं, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है रिव्यू करने का कि अब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो उसी चीज़ के बारे में वापस बात करने में, और आप खुद देखोगे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हो गई है। अगला टिप जहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा हुआ वो है एंगेजमेंट इन इंग्लिश। अब हम सब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो अगर आप बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो उस क्वालिटी टाइम को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। आप बच्चे के साथ गेम खेल रहे हो, आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, एंगेजमेंट स्टैंड पॉइंट से बच्चे के साथ इंग्लिश में करो। आपको बैकग्राउंड पे म्यूजिक चलाना है, इंग्लिश म्यूजिक चलाओ। राइम्स सुनानी है, इंग्लिश की राइम्स सुनाओ। आपको बच्चे के साथ आप प्रिटेंड प्ले कर रहे हो, इंग्लिश में खेलो। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बच्चे की जो थिंकिंग है और जो स्पीकिंग है वो धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। ये स्टेप आपको कॉशियसली लेना है अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो। एक और अच्छी चीज़ आप कर सकते हो कि बच्चे की जो आप प्ले डेट्स ऑर्गेनाइज करते हो वो आप ऐसे बच्चों के साथ करो जो इंग्लिश में बात करते हैं, उससे भी बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। बच्चे बच्चों के साथ बहुत जल्दी सीखते हैं, और जब बच्चों के साथ बच्चों की तरह से ही खेला जाए तो भी वो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपका खेलने का टाइम है उसको आप इंग्लिश में ज़रूर कन्वर्ट करो। अगला टिप जिसने हमारी बहुत हेल्प करी वो है कंप्लीट देयर सेंटेंसेस, यानी जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे उनको कंप्लीट करके फुल सेंटेंसेस बनाइए। तो होता क्या था, जैसे 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चे 1, 2, 3, 4 धीरे धीरे वर्ड्स बोलना ज़्यादा उनका बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके सेंटेंसेस को कंप्लीट करो जिससे कि वो ज़्यादा वर्ड्स ऑफ इंग्लिश जो है वो सीख पाएंगे और उसमें प्रॉपरली कम्युनिकेट करना सीख पाएंगे। जैसे कभी जब 1.5-2 साल का था तब वो ऐसे बोलता था डैडा वाटर। अब डैडा वाटर अगर हम उसको रहने दें और उसको नहीं सिखाएं तो वो आगे जाके भी यही बोलेगा अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, डैडा वाटर, बट दैट्स नॉट द राइट वे। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे सौरभ उसे कंप्लीट कर देते थे तो वो बोलते थे कबीर यू वॉन्ट टू से
डैडा प्लीज गिव मी वाटर या फिर डैडा आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। तो ये करने से बच्चे को समझ आता है कि मैं कैसे इन्हीं वर्ड्स को इलैबोरेट करके एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बोल सकता हूँ। अगला टिप है टाइम टू थिंक। अब आपने ये खुद नोट किया होगा कि कई बार जब हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चे जब बात करने लगते हैं तो कई बार वो एक सोचने के मोड में चले जाते हैं जहाँ उन्हें पता है कि बोलना क्या है बट उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। दिस इज वेरी नेचुरल, बच्चों के साथ ये एक लर्निंग का फेज होता है। बट हम गलती कहाँ करते हैं कि हम फटाफट उनकी थिंकिंग को रोक देते हैं और उन्हें वो वर्ड दे देते हैं बोलने के लिए। जैसे कि अगर कबीर फ्रिज के पास खड़ा है और वो पानी की बॉटल को देख रहा है तो मुझे पता है उसे बोलना है कि मम्मा वाटर, बट वो सोच रहा है कि ये है क्या चीज़, तो मैंने फटाफट बोल दिया कबीर यू वॉन्ट वाटर। वहीं पर मैंने उसकी जो कम्युनिकेशन अबिलिटी है उसको आके रोक दिया। वो आपको नहीं करना है, आपको उसे टाइम देना है सोचने का और बोलना है कबीर यू वॉन्ट टू हैव दिस, वॉट इज दिस, यू लव टू हैव इट। उसे कुछ ऐसी चीज़ों के साथ हेल्प करना जिससे कि उसका ब्रेन सोच सके और ये बता सके कि उसको पानी पीना है। तो यू नीड टू गिव देम टाइम टू थिंक। अगला टिप है कमेंट मोर क्वेश्चन लेस। हम कई बार बच्चों के साथ क्वेश्चन फॉर्म में चले जाते हैं और बहुत अर्ली एज से चले जाते हैं। हमें लगता है हमने बच्चे को एक चीज़ के बारे में बताया, अब अगली बार तो उसको ये आना चाहिए, तो हम उससे पूछने लग जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने कल उसे मून के बारे में सिखाया, अब आप चाहते हो कि आज आप उससे पूछो कि कबीर व्हाट इज़ दैट, अब आप चाहते हो कि वो आंसर दे कि ये मून है। कई बार बच्चे दे भी देते हैं बट कई बार बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं सोचने में। तो दैट इज़ द टाइम दैट यू कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द चाइल्ड बाय जस्ट कॉमेंटिंग द मून इज लुकिंग सो बिग टूडे, और उस तरीके से आप कॉन्वर्जेशन में चले जाओ जिससे वो खुद ही पिक करके बोलेगा डैडा मून इज लुकिंग सो वाइट। अब आपको उससे पता चल गया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि ये मून है, बट आपने क्वेश्चन की जगह एक कॉमेंट दिया जिससे कि वो जो कॉन्वर्जेशन है वो आगे बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से भी हम ये काफी कबीर के साथ ट्राई करते हैं। और लास्ट टिप जिस पे हम आज तक भी काम कर रहे हैं वो है कि एक टाइम ऐसा दिन में आपको निकालना है जो पीसफुल टाइम है, जहाँ पे बच्चे की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, जहाँ पे आप बच्चे से बात करो। क्योंकि वो जो टाइम होता है पूरे दिन पे रिफ्लेक्ट करने का, बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने का, बच्चे को कोई नई चीज़ आप सिखाना चाहते हो, बच्चे को किसी चीज़ के बारे में आप समझाना चाहते हो, जब आप ये बात बच्चे से करते हो, इंग्लिश में करते हो, आप बच्चे की काफ़ी मदद करते हो टू ओपन अप, टू टेल यू व्हाट दे आर थिंकिंग, टू हेल्प देम फ्रेम द सेंटेंसेस। ये बच्चे की कॉन्वर्जेशन अबिलिटीज, इंग्लिश स्पीकिंग अबिलिटीज, थिंकिंग अबिलिटीज में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो दिस इज समथिंग जो हम बच्चे के साथ जरूर करते हैं। अगेन इट टोटली डिपेंड्स कि आप ये टाइम बच्चे के साथ कैसे निकालना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मॉर्निंग टाइम होता है, कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों को पूपू करते टाइम बात करना बहुत पसंद होता है। तो फाइंड आउट दैट टाइम जब बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं है और वो आपसे बात करेगा, तो आप देखोगे कि बच्चे इस टाइम में कितना फटाफट चीजें सीखते हैं। कुछ नई नई वोकैबुलरी बच्चे को देने की कोशिश करो, हर दिन एक नया वर्ड बच्चे को सिखाने की कोशिश करो, इससे भी बच्चे का इंटरेस्ट इस लैंग्वेज में जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो गाइस, ये सारे थे हमारे टिप्स हमारी जर्नी ऑफ 3 ईयर्स से। आगे आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चे को कोई भी लैंग्वेज कैसे सिखाएं उसमें कोई सही या गलत नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो सकता है। कॉमेंट सेक्शन में आप भी बता के पूरी कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर यू कॉमेंट एंड बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट टॉकिंग टू योर किड्स इन इंग्लिश राइट अवे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।